नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं दक्षिण के बर्रा गांव में अवैध कब्जेदारों ने तालाब को भी कब्जा करना शुरू कर दिया, जहां कई वर्षों से तालाब था लेकिन आज वहां पर पक्का निर्माण कराकर दुकानें बना दी गई हैं। वहीं पर रहने वाले सुरेश चंद दिवाकर ने आरोप लगाते हुए बताया कि यहां पर तालाब हुआ करता था लेकिन अवैध कब्जेदारों ने पक्का निर्माण करा दिया है और अभी भी पक्का निर्माण हो रहा है, जिसकी शिकायत केडी नगर निगम व डीएम से लेकर उच्च अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत की गई लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बर्रा गांव के अंदर की जगह तालाब पर निर्माण कराया जा रहा है। अगर ऐसे ही निर्माण होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तालाब की जगह सिर्फ अवैध कब्जादारों का कब्जा होगा। और जब इस बारे में एसडीएम सदर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसको संज्ञान में लेकर कब्जाधारकों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम चाचा? हमारा सुरेश नाम सुरेश चंद दिवाकर। कहाँ पर रहते हैं? हम गांव में रहते हैं। चल, क्या मामला है आज? मामला ये है कि सर यहाँ धोबी हार है मेरा, हम यहाँ कपड़े धुलते हैं मगर हमारा कब्जा हो गया तो हम कपड़े नहीं धुल पा रहे। कितने सालों से हम धोबी हार? हम यहाँ पर बचपन में बाप दादे से यहाँ कपड़े धुलते चले आ रहे हैं और 12 बीघे का तालाब है और अब ये खत्म हो गए, ये हमारी जगह बची है जहाँ कपड़े धुल जाएंगे, इसमें भी कब्जा हो रहा है। और ये डब्ली कहार कब्जा कर रहे हैं और ये इनका 133 मकान नंबर गांव में है, 133 नंबर गांव में है, वहाँ का पल्चा उठा के यहाँ बनवा रहे हैं तालाब। हमने शिकायत किया सवाल नगर किया, डीएम को दिया, के डी एफ अध्यक्ष को दिया, नगर निगम को दिया, सब सवाल दिया। अभी तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तो बयाल उन्होंने पैसा खत्म हो गया तो बंद हो गया, दूसरी किस्त आएगी तब चालू करेंगे।